सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बारे में फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रवासी मजदूरों की मदद को लेकर राजस्थान और यूपी के बीच बस पॉलिटिक्स जारी है और इसी कड़ी में जयपुर के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी तमाम इसी मसले को लेकर चर्चा की गई। क्या है पूरा मामला इस खास रिपोर्ट में देखिए। बस पर सियासी घमासान जारी है। यूपी के धुरंधर राजनेताओं से मुकाबले में राजस्थान के कांग्रेस नेता, ये भी संयोग है कि यूपी कांग्रेस के प्रभारी सचिव जुबैर खान और धीरज गुर्जर दोनों मूल रूप से राजस्थान के हैं और प्रियंका गांधी के विश्वस्त भी। पीसीसी में प्रेस वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम सचिन पायलट, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव जुबैर खान और धीरज गुर्जर मौजूद रहे। पायलट ने कहा कि देश में लॉकडाउन में लाखों श्रमिक पैदल चलने को मजबूर हैं। जब केंद्र सरकार से मदद नहीं आई तो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फैसला लिया कि मजदूरों का किराया कांग्रेस पार्टी वहन करेगी। इसके बाद जब प्रियंका गांधी ने मदद की पेशकश की, बसों का प्रबंध किया, लेकिन यूपी सरकार ने बसों को परमिशन नहीं दी। महासचिव यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1000 बसों को मदद करने का ऐलान किया। उन बसों को लेकर बहुत विवाद हुआ और यूपी की सरकार ने परमिशन देने से मना किया। निस्वार्थ भाव से मानवता को देखते हुए 1000 बसों को कांग्रेस पार्टी ने यूपी भेजने के लिए एक प्रस्ताव भेजा। उसको बहुत देर तक परमिशन नहीं मिली। जब परमिशन मिली तो कहा गया कि उसको लखनऊ भेजिएगा, आगरा भरतपुर बॉर्डर से बस लखनऊ जाएगी, उसके बाद उसको आगे भेजा जाएगा। फिर बाधाएं बनाने के लिए नाना प्रकार के कंधे अपनाए। वहीं प्रेसवार्ता के दौरान उन मुद्दों को उठाया गया जिन्हें लेकर रायबरेली विधायक अदिति सिंह ने सियासी हलचल पैदा कर दी थी। बाद में कांग्रेस पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व के लिए जरूरी हो गया था कि बस बॉर्डर प्रवासी पॉलिटिक्स पर बीजेपी के आरोपों का जवाब दे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के दोनों राष्ट्रीय सचिव एआईसीसी के निर्देश पर पीसीसी में प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाया, वहीं यूपी सरकार का दिल नहीं पसीजा। पहले जाकर बसें खड़ी होती है उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर, उसके बाद उनको वापस भेज दिया जाता है। शुरुआत वापस तब होती है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ट्वीट पर ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी जी जो बसें भेजेगी उनको अनुमति दे दी जाएगी। जब उन्होंने ये ट्वीट कर दिया तो उसके बाद वापस बसें वहाँ पर पहुँची। उसी दौरान ये बात आई कि एक लिस्ट भेज दीजिए। 1032 बसें वहाँ पर पहुँचती है, 1032 बसों की लिस्ट वो सही मानते हैं और उसके बाद भी परमिशन ये कहकर नहीं देते कि ये बसें कबाड़ हैं, इनकी फिटनेस नहीं है, इनका लाइसेंस डिबार हो चुका है, इनके पास परमिट नहीं है। बहरहाल ऐसा पहली बार है जब सीधे तौर पर राजस्थान और यूपी के नेताओं के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। एक तरफ गहलोत सरकार और दूसरी ओर योगी सरकार। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।